जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, और आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आज मैंने ये भरवा करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, अगर आप इसको बनाओगे तो बहुत इजीली बन जाएंगे और टेस्टी भी बहुत होते हैं। इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले करेले लिए, करेले थोड़े बड़े साइज़ वाले लिए थे, और इसकी जो एंड पॉइंट है उसको कट करके और इसको बड़े बड़े पीसीस में कट कर दिया इस तरीके से, क्योंकि हमें इसके अंदर मसाला फिल करेंगे तो उसी हिसाब से मतलब बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। तो ये जो छोटे पीस थे वो भी हमें फेंकने नहीं है, बस एंड पॉइंट हटा देना है उसका डंठल वाला, और जो हमारे ये हमने अलग से पीस भी काटे हैं उसको भी उसी में हम करेले में ही फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सारे करेले जो थे वो उसको इतने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर दिया। अब एक उसमें बर्तन में पानी लिया, पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के अच्छे से बॉयल कर दिया। बॉयल आने के बाद हम इसमें सारे करेले डाल देंगे, जिससे कि इसका जितना भी कड़वापन है वो निकल जाएगा और ये हल्के से बॉयल भी हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करने हैं, तो मतलब हल्का बॉयल ही करना है और इसका कड़वापन इसी में निकल जाएगा जितना एक बॉयल आएगा अच्छे से उसमें। और इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक इन सबको ये चॉपर में डाल के इसको फाइनली चॉप कर देंगे एक ही साथ ही। तेल लिया कढ़ाई में, कढ़ाई में थोड़ा जीरा डाला। जीरा डालने के बाद थोड़ा सा इसमें जब पूरा अच्छे से चटक जाए तो हींग डाली। हींग डालने के बाद जितने भी हमने सारी चीज़ें जो चॉप की थी उसको तेल में डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करना है। प्याज हमें पूरी नहीं करनी है, बस ट्रांसलूसेंट स्टेज तक ही करना है। अब इसमें मैंने टमाटर थे उसको भी फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। जो टमाटर है जिसका खट्टेपन से करेले का जो कड़वापन थोड़ा सा रहता है वो भी बिल्कुल मतलब हट जाएगा और कड़वे नहीं लगेंगे, तो इसलिए टमाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। मतलब कुछ भी खट्टापन यूज़ ज़रूरी होता है। अगर हम इसकी जगह टमाटर की जगह अगर हम मैंगो पाउडर या इमली कुछ भी यूज़ करेंगे तो उससे करेले जो है उसका कड़वापन बहुत कम हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है इसके अंदर बस। अब इसमें जो मेरे पास अचार का मसाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, कि अचार ख़त्म हो गया था तो उसमें लास्ट में जो मसाला बच जाता है वो इसमें डाल दिया, और थोड़ा सी सौंफ डाल दी इसके अंदर, और थोड़ा सा मैंने मैंगो पाउडर भी डाला है अमचूर, जिससे कि और अच्छा टेस्ट आ जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें, तब तक इसको फ्राई करना है जब ये एक पूरा बाइंडिंग प्रॉपर्टी हो जाए इसकी। तो ये देखिए पूरा सेट हो चुका है, अब एकदम से इकट्ठा हो गया, बस हमें इतना ही इसको करना है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और जो करेले थे उसका जो अंदर का पार्ट है बीज वाला पार्ट उसको इसके स्पून की हेल्प से हम इस तरीके से इसके सारे बीज निकाल देंगे, जिससे कि हम इसके अंदर जो मसाला भरेंगे वो आसानी से फिल हो जाएगा। तो हमने इसके धीरे धीरे करके सारे जो बीज वाला पार्ट था वो हम सारे जो करेले हैं उसमें से निकाल देंगे। ये बहुत इजी मेथड है, अगर आप करेले भरवा करेले बनाओगे तो एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है और आराम से बन जाते हैं और कड़वे तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो ये देखिए सारे इनके अंदर से बीज मैंने निकाल दिए, अब ये मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो अब इसके हाथों की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसके अंदर इस तरीके से मसाला फिल कर देंगे, जितना अच्छे से मसाला आ सकता है उतना अच्छे से मसाला इसमें हम फिल करेंगे। धीरे धीरे सारे करेले फिल कर देंगे इसमें। ये देखिए सारे करेले फिल हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और जो फ्लेम है उसको लो से मीडियम फ्लेम ही रखना है, क्योंकि हमें करेले को अच्छे से हल्की आंच में ही हम इसको फ्राई करना है। तो इस तरीके से हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद जब गर्म हो जाए अच्छे से तो हम एक एक करेले इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड इस तरीके से करना है मसाले की तरफ से नहीं, सिर्फ करेले की साइड से सिलिंड्रिकली हमें इसको इस तरीके से करना है। अब धीरे धीरे करेले को हम फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छी सी मतलब पूरा ये अलग चेंज कलर हो जाएगा इसका,
तब तक हमें धीरे धीरे इसको अलट पलट के स्पून की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से आप कर सकते हैं। तो इसको फ्राई करने के कम से कम इसको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे फ्राई होते हुए। हमें लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। आप स्पून की हेल्प से धीरे धीरे इसको अलट पलट कर देंगे जिससे कि सारी साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ, फ्राई हो जाएँ। एक बार ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और अगर ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड।